Good afternoon, ladies and gentlemen. Join me in welcoming Union Home Minister Rajnath Singh, also the number two. Also the number two in the Narendra Modi government. Mr. Singh, as we all know, has worn several hats. आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, but I think the most important and perhaps the most challenging job is the one he holds currently, which is internal security. Terrorism, of course, remains the enemy number one as far as India is concerned. As Minister of Home Affairs, sir, you know that if internal security issues are tackled effectively, subversion by external forces becomes more difficult. Why has India failed to curb insurgency and extremism? Is it a policy fault, or, and that's an important aspect, is it contentious politics that fans communal and secessionist forces? More than six decades after independence, why are India and Pakistan still hostile? To answer this and more, Home Minister Rajnath Singh. Thank you, Ms. Baweja. Mitro, main Hindi mein bolunga. सबसे पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मीट में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और इतनी बड़ी गैदरिंग को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. मैं बहुत ही ब्रीफ में अपनी बातें आपके सामने रखूंगा. होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है. इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेज इस समय हमारे देश के देशवासियों के सामने हैं. इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए इतना मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि वी विल नॉट लीव ए सिंगल स्टोन अनटर्न्ड. प्रॉब्लम बहुत है, इंटरनल सिक्योरिटी की है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की है, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल सिक्योरिटी की है, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल सिक्योरिटी की है. चैलेंजेज बहुत सारे हैं और इन सब सारे चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए, क्योंकि भारत का स्ट्रक्चर फेडरल है, इसलिए हमें राज्य सरकारों के भी सहयोग की आवश्यकता होती है और बराबर राज्य सरकारों से मैं कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं और मैं कह सकता हूं कि इस कोऑर्डिनेशन में हमें कामयाबी भी हासिल हुई है. मैं बहुत ही संक्षेप में जो इस समय मेजर चैलेंजेज हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा. टेररिज्म का है, माओइज्म का है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है और साथ ही साथ हमारी बॉर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, कोस्टल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं. यह सब सारे हमारे सामने चैलेंजेज हैं. टेररिज्म के बारे में यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह होम ग्रोन नहीं है, यह एक्सटर्नली एडेड यह प्रॉब्लम है. वैसे पाकिस्तान बराबर यह कहता है जो कुछ भी टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा यह टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं. लेकिन मैं पाकिस्तान से यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आईएसआई भी नॉन स्टेट एक्टर है? टेरर एक्टिविटीज को यदि पूरी मदद यदि की जा रही है तो आईएसआई के द्वारा भी की जा रही है. ओसामा बिन लादन पाकिस्तान में छिपा हुआ था. ओसामा बिन लादन, क्या पाकिस्तान को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्या स्टेट एक्टर्स उसको नहीं मदद कर रहे थे? क्या उसको नॉन स्टेट एक्टर्स मदद कर रहे थे? लश्करे तोयबा का हाफिज सईद इस समय पाकिस्तान में है, उसकी मदद कौन कर रहा है? दाऊद इब्राहिम के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि उसे
हैंडओवर किया जाना चाहिए भारत को, लेकिन उसे आज तक हैंडओवर नहीं किया गया। 26/11/2008 की जो मुंबई की टेररिज्म की वारदात है, उस संबंध में जो भी कल्प्रिट्स हैं, उन कल्प्रिट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट हम लोगों ने पाकिस्तान से की है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो कार्रवाई की जानी चाहिए, पाकिस्तान ने उस प्रभावी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरे मामले को वह टालने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो यह टेररिज्म है वह पूरी तरह से पाक स्पॉन्सर्ड यह टेररिज्म है। इसको रोकने के लिए कई इफेक्टिव स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने उठाए हैं। हमने लगभग 4 एनएफजी के हब्स बनाने में कामयाबी हासिल की है, और साथ ही साथ एंटी टेरर कैपेबिलिटीज को भी हम स्ट्रेंथन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक लगभग 6 महीने हुए हैं मुझे होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाले हुए। इस संबंध में लगभग 4-5 बार जितने भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, और इतना ही नहीं बल्कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेरर स्कूल्स ट्रेनिंग देने के लिए जो हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल्स हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि टेररिज्म के चैलेंज को वो मीट आउट कर सकें। इसकी भी हम लोगों ने 21 इस प्रकार के ट्रेनिंग स्कूल्स खोलने का फैसला किया है, और जिसमें 16 खुल चुके हैं, शेष बचे हुए वह भी हमारी कोशिश होगी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में वो खोल दिए जाए। एक सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे नजर आती है नाटो फोर्सेस के विड्रॉल के बाद पाकिस्तान के, उसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, इसके संबंध में भी हम लोगों ने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनी तरफ से लिए हैं। आईएसआईएस का भी एक चैलेंज है, और मैं कह सकता हूं कि आईएसआईएस के द्वारा कुछ रेडिकलाइजेशन का काम सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इसको भी चेक करने के लिए हम लोगों ने कुछ सिस्टम डेवलप किया है और उसे करने की हम कोशिश कर रहे हैं। साइबर क्राइम इस देश में तेजी के साथ बढ़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने में जो हमारे सामने आ रही है कि एक तो भारत में अपना सर्वर न होने के कारण यह लोकेट कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना कि यह चीज कहां से चलाई जा रही है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए जो कुछ भी साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है वो हमारी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, लेकिन उसे और अधिक इफेक्टिव बनाने की आवश्यकता है। दूसरा चैलेंज हम लोगों के सामने नक्सलिज्म माओइज्म का है। आप जानते हैं 67 में एक छोटे से गांव से यह माओइज्म की प्रॉब्लम प्रारंभ हुई थी, और आज हमारे देश के लगभग 10 स्टेट्स, और जिनमें से मैं कह सकता हूं कि 7 स्टेट्स ऐसे हैं कि जो काफी हद तक इससे प्रभावित हैं। सर्वाधिक माओइज्म से इफेक्टेड यदि कोई स्टेट है तो वह झारखंड का है, और उसके बाद, और मैं कह सकता हूं कि जितनी नक्सल एक्टिविटीज सारे देश भर में होती हैं उसका मोर देन 33% इंसिडेंट यदि कहीं पर होते हैं तो वह झारखंड में होते हैं, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 29% यह माओइस्ट इंसिडेंट्स इन स्थानों पर होते हैं। बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, थोड़ा उत्तर प्रदेश का भी कुछ पार्ट है, उड़ीसा है। तो इस नक्सलिज्म के चैलेंज से निपटने के लिए भी हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया है, और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि शायद पहली बार इस नक्सलिज्म की समस्या से निपटने के लिए हम लोगों ने एक इफेक्टिव पॉलिसी पेपर और एक्शन प्लान तैयार किया है। जहां तक इस माओइज्म की समस्या का प्रश्न है, हम केवल जो भी माओइज्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको, उनके ऊपर आक्रमण करके, उनको उनकी हिंसा करके हम उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन क्षेत्रों में माओइज्म है वहां का डेवलपमेंट तेजी के साथ होना चाहिए।
माने हमारा जो भी हमारे एक्शंस हैं वो बैलेंस्ड हैं और डेवलपमेंट भी करने की हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको यह भी जानकारी देने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जितने माओइज्म से अफेक्टेड हमारे एरियाज हैं उनमें मोर देन 100 सीआरपीएफ की बटालियन हम लोगों ने तैनात कर रखी है। नॉर्थ ईस्ट की भी एक समस्या है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में कुछ ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस एक सेंस ऑफ एलियनेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि हम भारत से कुछ अलग हैं, भारत को नॉर्थ ईस्ट की जितनी चिंता करनी चाहिए भारत नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं करता है। यह एक हवा देने की इसकी कोशिश की जाती है और वहां पर लगभग 50-60 ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स तैयार हो गए जिनकी बराबर एक्टिविटीज चलती रहती है। इसके पहले बराबर उनके साथ डायलॉग होता रहा है और उनको ये बराबर कहा जाता रहा है कि आप हथियार छोड़ो, लेकिन आज मुझे आप सबको सूचित करते हुए यह खुशी हो रही है कि ANVC मेघालय का एक ऐसा ही एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कि हथियार छोड़ने का फैसला कर लिया है। वह मुझसे मिले थे और मुझसे उनकी पूरी तरह से बातचीत हुई थी। वैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं मैंने सबका आह्वान किया है। मैंने कहा कि जो भी बात करना चाहता है उसके साथ हम बात करने को पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हिंसा की किसी भी सूरत में इजाजत हम नहीं देंगे। और माओइज्म से जुड़े हुए भी जितने लोग हैं उनका भी मैंने आह्वान किया है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हथियार लेकर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। हिंसा की इजाजत उन्हें भी किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती है। कुछ पड़ोसी देशों के द्वारा भी, और मैं विशेष रूप से यदि बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान की यदि मैं बात करूं, यहां की गवर्नमेंट को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहता हूं, बल्कि इन कंट्रीज के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो काम कर रहे हैं उनको मदद की जाती रही है। कभी इकोनॉमिक ब्लॉकेट की वह घोषणा कर देंगे, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट की घोषणा उन्होंने की थी जिसे कि बाद में बातचीत के द्वारा हम लोगों ने उसे उनको परस्यू किया कि इसे आपको विड्रॉ करना चाहिए। बॉर्डर की भी प्रॉब्लम है और आप लोगों को जानकारी है कि अप्रोक्सीमेटली 15,318 किलोमीटर का बॉर्डर छह देश हैं जिनसे कि यह लगा हुआ है। बॉर्डर मैनेजमेंट को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और एक तरफ हम वहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यह सच है कभी कभी चाइना के द्वारा, कभी कभी पाकिस्तान के द्वारा ये बराबर कोशिश होती है, यदि कहीं पर यदि हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो उनके द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। यह अभी डिस्प्यूटेड पार्ट है, इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप कर सकते हैं उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। रोड नेटवर्क भी अपना हम लोग वहां पर काफी इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया है। भारत नेपाल सीमा पर भी हमारी चौकसी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, हमारी सशस्त्र सीमा बल SSB वहां पर पूरी तरह से तैनात है। बॉर्डर पर मोबाइल सर्विलेंस के द्वारा भी हम ये चेक करते हैं कि बॉर्डर पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये भी हम कर रहे हैं। फेंसिंग, फ्लड लाइट्स, जितनी अधिक से अधिक फेंसिंग की जा सके, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज भी हमारे बॉर्डर्स के कई पार्ट ऐसे हैं जो पोरस हैं, उन स्थानों पर भी हम फेंसिंग करने की व्यवस्था कर रहे हैं। फ्लड लाइट्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिसीजन कर लिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो हमारी इस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका हम अधिक प्रयोग करने की इस समय कोशिश कर रहे हैं और उस संबंध में हमने कुछ आवश्यक फैसले भी कर लिए हैं। मैं इजराइल गया था हाल में और वहां जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने हाईटेक की मदद ली है वह निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है। और मैंने वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब हमारी बातचीत हुई थी उसमें भी मैंने कहा कि हम आपका इसमें सहयोग चाहेंगे और मुझे यह भी कहते हुए खुशी है कि उन्होंने पूरी तरह से सहयोग देने का वादा भी किया है।
कोस्टल सिक्योरिटी या समुद्री तट अप्रोक्सीमेटली 5,422 किलोमीटर का है। कोस्टल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने के लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स हम लोगों ने उठाए हैं। कोस्टल सिक्योरिटी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की है, हमारे कोस्ट गार्ड वहां पर लगी हुई हैं। लेकिन यह कोस्टल सिक्योरिटी कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री से भी यह रिलेटेड है, लेकिन कोस्टल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री के ऊपर भी है और हम लोगों ने कोस्टल पुलिस स्टेशन बनाए हैं। हम कोस्टल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हम जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, उनका हम सहयोग प्राप्त करते हैं और जो कोस्टल पुलिस स्टेशन हम लोगों ने बनाए हैं उसके ज्यूरिडिक्शन उसका क्या होगा, इसको पहली बार हम लोगों ने नोटिफाई भी किया है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन, हमारी स्टेट पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए हम यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम फंडिंग करते रहते हैं और हमारा सभी स्टेट गवर्नमेंट से यही आग्रह रहता है पुलिसिंग अधिक होनी चाहिए, बल्कि पुलिस फोर्सिंग कम होनी चाहिए, यह मेरा बराबर आग्रह रहता है। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आम लोगों के साथ कैसे बिहेव करना, माने पीपुल फ्रेंडली होना चाहिए पुलिस को, यह बराबर आग्रह रहता है। नाइट ग्रिड प्रोजेक्ट भी हमारे यहां है जिसको कि हम उस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकें और एक्शनेबल इंटेलिजेंस हम तैयार कर सकें और इस नेटवर्क को भी हम लोगों ने खड़ा किया है। कम्युनल राइट्स की एक समस्या रहती है और मुझे आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि कम्युनल राइट्स की घटनाएं बड़ी तेजी के साथ घटी हैं, लेकिन जितनी भी चाहे टेररिज्म की प्रॉब्लम हो, माओइज्म की प्रॉब्लम हो अथवा इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम हो, इस संबंध में यदि कोई जानकारी यदि देना चाहता है तो अभी मैंने हाल में ही 4-5 दिन पहले यह फैसला किया है कि एक सिंगल विंडो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए और उसकी स्वीकृति मैंने अपनी तरफ से दे दी है और जल्दी ही हम एक ऐसा सिंगल विंडो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम तैयार करेंगे और देशवासियों को हम इसकी जानकारी देंगे। और मैं पुनः अपनी उसी सेंटेंस को दोहराना चाहता हूं कि इस कंट्री की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वी विल नॉट लीव ए सिंगल स्टोन अनटर्न। थैंक यू मिस्टर होम मिनिस्टर, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में काफी मुद्दे कवर किए हैं, थोड़ा मैं स्पेसिफिक्स में जाना चाहूंगी, थोड़ा डिटेल्स में। आपने ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम की बात की, तो भले ही अमेरिका को 10 साल लगे पर वो ओसामा बिन लादेन तक पहुंचे। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद से भागे हुए हैं, हम सुनने में आता है कि वो पाकिस्तान में हैं, आपने भी कहा कि वो पाकिस्तान में ही हैं, तो कभी सुनने में आता है वो कराची में हैं, कभी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पोस्ट में हैं, कभी अफगानिस्तान की भी बात सुनने जी है। तो ये बताइए मिस्टर होम मिनिस्टर कि आपकी सरकार क्या कॉन्क्रीट कदम उठा रही है टू ब्रिंग दाऊद बैक टू इंडिया। वैसे जब पाकिस्तान के भी प्रीमियर भारत आए हुए थे तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके साथ उनसे बातचीत की थी और ये कहा था उसे भारत को हैंडओवर किया जाना चाहिए। और इसके पहले भी जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन हम पाकिस्तान को परसू करने की कोशिश करते हैं और हम प्रेशर भी बिल्डअप करेंगे कि वह दाऊद को हैंडओवर करे। आपको लगता है सिर्फ क्योंकि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, कम से कम हमारे यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशंस होते हैं उसके अनुरूप इस वर्ल्ड की हर कंट्रीज को बिहेव करना चाहिए। आपको लगता है कि सिर्फ प्रेशर से पाकिस्तान, आपने कहा आईएसआई इज अ स्टेट एक्टर नॉट अ नॉन स्टेट एक्टर, दाऊद हैज द प्रोटेक्शन ऑफ द आईएसआई, आपको लगता है सिर्फ प्रेशर से आपको दाऊद वापस मिलेगा? अमेरिका बार बार पाकिस्तान से कहता रहा है कि ओसामा आपके कंट्री में है, पाकिस्तान ने कहा नहीं, ही इज नॉट इन पाकिस्तान, बट दे वेंट इन एंड दे गॉट हिम। माई क्वेश्चन इज क्या आप दाऊद का हॉट परसूट करेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हरिंदर जी समय दीजिए और प्रतीक्षा करिए। मतलब आप काफी नजदीक है?
भयभीत का सवाल नहीं, समय दीजिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी कभी पब्लिक नहीं की जाती है, यह भी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। चलिए, इतने लोग बैठे हैं, सब दाऊद में इंटरेस्टेड है, इतना बता दीजिए कि आप कितना समय मांग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उसे टाइम बाउंड भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न होगा कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी दाऊद को हैंड ओवर करे। और इसके लिए आप लगातार प्रेशर डाल रहे हैं? मैंने किया, मैं किया है, परसों करने की कोशिश की है और आगे भी परसों करेंगे, प्रेशर बिल्डअप करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है। डिप्लोमेटिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, डिप्लोमेटिक प्रेशर मैं बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा। सो देयर इज नो हॉट परसूट। मिस्टर होम मिनिस्टर, एवरी डे देयर आर न्यू चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। मुंबई से हमें पता है कि इंडियन यूथ इराक गए हैं और आईसिस के साथ जुड़े हुए हैं। अलकायदा ने भी हाल में अनाउंस किया है कि वो इंडियन चैप्टर खोल रहे हैं। व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग टू कंट्रोल? आईएसआईएस और अलकायदा, लश्करे तोयबा और जो एशिया स्पेसिफिक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की बात कही है अलकायदा ने, शायद वही पूछ आप जानकारी कर रही हैं, दोनों का कॉग्निजेंस ही नहीं लिया है हमने। कॉग्निजेंस से भी आगे बढ़कर इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमको उठाने चाहिए, क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस संबंध में भी हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है। लेकिन वह स्ट्रेटजी यदि मैं यहां पर पब्लिक करूंगा तो मैं समझता हूं कि वह कामयाबी हमको नहीं मिल पाएगी। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, आप भी गए थे कैंपेन करने। आर्टिकल 370 पे बहुत चर्चा हो रही है आजकल। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, द बीजेपी वांट्स आर्टिकल 370 रिपील्ड एब्रोकेटेड। तो क्या यही स्टैंड आपके मैनिफेस्टो में, कश्मीर का जो मैनिफेस्टो निकलने वाला है उसमें भी यही स्टैंड होगा? काइंडली प्लीज हाँ या ना में जवाब दीजिए। हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता है, लेकिन यह डेमोक्रेसी है हमारे देश में और डेमोक्रेसी में कभी कभी आम लोगों के बीच बहस की भी जरूरत पड़ती है, डिबेट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता से कि आर्टिकल 370 पर डिबेट होनी चाहिए, आप डिबेट करिए कि इस आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर को क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है, इस पर फैसला होना चाहिए। और असेंबली का इलेक्शन यदि आ गया है तो इस असेंबली के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर एक सेंस ऑफ फियर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो भी हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके द्वारा। हमारा कहना है कि असेंबली इलेक्शन के दौरान इस सवाल को आप क्यों खड़ा करते हो? असेंबली इलेक्शन में यदि इशू होना चाहिए तो गुड गवर्नेंस का इशू होना चाहिए, डेवलपमेंट का इशू होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 370 पर बहस होनी चाहिए, यह हम पार्टी का मानना है। एक्चुअली देखा वैसे हम मानते हैं यह कि आर्टिकल 370 कारण के कारण जम्मू कश्मीर का कोई लाभ नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है, इस पर जम्मू कश्मीर में डिबेट होनी चाहिए और सारे देश में भी डिबेट होनी चाहिए। आपने हाँ और ना में जवाब नहीं दिया, पर फिर भी आपने जवाब दिया, क्योंकि आपने कहा दैट डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर्टिकल 370 इस असेंबली इलेक्शन, इन दिस इलेक्शन, सो दैट प्रीटी मच आंसर्स द क्वेश्चन। पाकिस्तान की आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में काफी बातचीत की। जो मोदी सरकार का रवैया है पाकिस्तान के प्रति, it is quite different from the previous UPA government. New red lines have been drawn. Negotiation pe bhi talks were called off. To mujhe yaad aa raha hai Vajpayee ji ne kaha tha that you cannot choose your neighbors. Parliament attack ke baad bhi, and the parliament attack was an attack on the temple of democracy, uske baad bhi Atal ji ne Musharraf ko invite kiya Agra mein. आपको नहीं लगता मैच्योर नेशंस नीड टू ब्रेक द डेडलॉक,
Will you be talking to Pakistan anytime soon? And why should your government not be engaging with a neighbor? चाहे पाकिस्तान हो अथवा दुनिया जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज कोई भी हो, हम सबके साथ अपने दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। और अटल जी का आपने नाम लिया है, तो अटल जी कहा करते थे, दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। हम भी पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी पड़ोसी देश के द्वारा कोई ऐसी हरकत की जाती है तो थोड़ा एक डिप्लोमेटिक तरीके से प्रोटेस्ट दर्ज कराने की आवश्यकता भी पड़ती है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ पहल तो किसी न किसी की तरफ से होगी, हमारी तरफ से होगी। पहले देखते हैं, प्रतीक्षा करेंगे, देखें पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो कल ही बयान दिया, वो साथ में मिलेंगे मोदी जी से, अभी दो तीन दिन में ही होने जा रहा है काठमांडू में, दैट ही विल स्पीक टू द हुर्रियत बिफोर ही स्पीक्स टू इंडिया। तो पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो क्लियर है सर, तो इंडिया का क्या स्टैंड होगा? पाकिस्तान का भी स्टैंड क्लियर है तो आप लोगों का भी स्टैंड क्लियर है। लेकिन यदि पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टैंड होता है जो भारत के साथ पाकिस्तान के द्वारा कार्डियल रिलेशंस को बनाने में यदि कोई कमी दिखाई देती है, तो कभी कोई अवसर आया तो हम उन्हें सुझाव देंगे कि नहीं, रिश्ते कार्डियल बनाइए दोनों के बीच, आपकी तरफ से पहले होनी चाहिए। हम तो बराबर दोस्ताना की बात करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से भी कम से कम दोस्ती की बात तो होनी चाहिए, दोस्ताना कुछ एक्शंस तो होने चाहिए। आपके प्रीडिसेसर, वन ऑफ योर प्रीडिसेसर्स मिस्टर चिदम्बरम रिसेंटली सेड, और ये सवाल आफ्सपा पे है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पे, उन्होंने कहा कि आफ्सपा इज एन अबनॉक्शियस लॉ, बहुत स्ट्रांग वर्ड्स उन्होंने यूज किए। AFSPA is an obnoxious law that has no place in a modern and civilized society. Rajnath ji, Kashmir ki jo ground situation, jo halaat hai, jo main 20 saal se wahan ja rahi hu, jo maine 90s mein dekha aur jo main ab dekh rahi hu, bahut farak hai. Aapko nahi lagta ki ek test hona chahiye? Hum nahi keh rahe hain ki aap AFSPA ko pura hata dijiye, but phased withdrawal. Is there anything wrong with a phased withdrawal of AFSPA? पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वीकार किया कि पहले की अपेक्षा परिवर्तन अब जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। यहां तक AFSPA का प्रश्न है, मुझे लगता है कि कुछ समय और हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसके बारे में, हम देखेंगे। हम तो वहां की सिचुएशन को पूरी तरह से नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भी जैसे देश के दूसरे स्टेट्स की इस समय कंडीशन नॉर्मल है, वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी AFSPA को वापस करने के बारे में हम लोगों का कोई फैसला नहीं है, आगे देखेंगे। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, आप बुरा मत मानिएगा। देयर इज अ परसेप्शन कि जो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, जिसमें बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, वो काफी हद तक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से चलाई जाती है। वैसे पूरी सरकार ही प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, हम लोग उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, ये कोई गलत तो है नहीं। लेकिन हां, ये मैं कहना चाहूंगा कि अपनी सारी मिनिस्ट्रीज को प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से इंडिपेंडेंस दे रखी है, और आपने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया का जो करिश्मा, किस किस तरह के फीलर्स छोड़े जाते हैं। एक बार तो स्वयं ही मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा था, और मैं सारे इंटेलेक्चुअल्स यहां पर मौजूद हैं, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, इस प्रकार के फीलर्स, इस प्रकार के र्यूमर्स जो हवा में छोड़े जाते हैं, कृपया उस पर यकीन न करें। और मैं समझता हूं कि इस तरीके की बातें जो लोग करते हैं बराबर, वह केवल गवर्नमेंट को ही डिस्टर्बलाइज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इस कंट्री को भी डिस्टर्बलाइज करना चाहते हैं। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। आपने ट्विटर का जिक्र किया,
दो सवाल हैं जो ट्विटर के माध्यम से आए हैं, दोनों मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहला ये है, हैज योर गवर्नमेंट डन इनफ टू रीअश्योर द मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, अबाउट देयर सेफ्टी? मैं पूरी तरह से अश्योर करना चाहता हूं माइनॉरिटीज के, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे पारसी हों, चाहे यहूदी हों, कोई भी हो, जो भी भारत का रहने वाला है, भारत का सिटीजन है, वो सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर किसी भी सूरत में डिस्क्रिमिनेशन की हम इजाजत नहीं देंगे। हमारे हर एक्शन का बेस होगा जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इंसाफ और इंसानियत। बिफोर आई कम टू द सेकेंड ट्विटर क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन मिस्टर राजनाथ सिंह, एंड अगेन इट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान। वी हैड fairly serious ceasefire violations on the border with Pakistan. So, pehle baat ho rahi thi about the new policy of the Modi government vis-a-vis Pakistan, ke baatcheet nahi karenge kyunki aapne huriyat se baat ki. Pehle aksar hota tha jab violations hoti thi to ek white flag dikhaya jata tha on the border between the border security force and the park rangers on the other side to try and bring the situation back to normal. But you took a decision, I am told, that India will not ask for a flag meeting. Can I ask you to please elaborate why? वैसे जब सीज फायर वायलेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर और हमारे चार पांच मारे गए थे, इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी मारी गई थी, उस समय मैंने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा हुआ है और बार बार हम लोग व्हाइट फ्लैग दिखा रहे हैं पाकिस्तान को कि हम आपके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान ने रेस्पॉन्ड किया या नहीं किया? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा 16 बार दिखा चुके हैं, तो मैंने कहा अब 17वीं बार नहीं दिखाया जाना चाहिए बल्कि अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, और वही हुआ। और वही हुआ है। और आपने देखा कि फिर पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के सामने जाकर यह कहना पड़ा है कि आप इंटरवीन कीजिए, इंटरवीन कीजिए। दूसरी भाषा में कहना हो तो त्राह इमाम, त्राह इमाम। वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्विटर बिफोर आई ओपन द फ्लोर टू द ऑडियंस, हाउ मच इन्फ्लुएंस डज द आरएसएस हैव ऑन योर गवर्नमेंट? आरएसएस कोई एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसी है नहीं सर, इंटरनल तो है और आरएसएस का मैं स्वयं हूं, प्रधानमंत्री जी स्वयं आरएसएस के वॉलंटियर हैं, बचपन से हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। जब हम स्वयं ही आरएसएस के हैं तो आरएसएस इन्फ्लुएंस क्या करेगा? यह तो कोई एक ऐसी कोई अलग की कोई आइडेंटिटी होती कि दूसरे आइडियोलॉजी के लोगों के की गवर्नमेंट होती तब तो बात समझ में आती थी कि दूसरी आइडियोलॉजी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बराबर इस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। हम स्वयं आरएसएस के हैं। I'll take a few questions from the audience. Please introduce yourselves before you ask the question, and very brief questions, please. We are a bit out of time. वैसे आप इसको extend कर दीजिए, कोई है ना 2 बजे भोजन हो जाएगा। अभी और भी session है sir. माननीय होम मिनिस्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह सारे questions का जवाब दिया। मैं सुभाष गोयल ऑल इंडिया टूर ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंट हूं। हम मिले थे कल। हमारे सारे बॉर्डर्स, आपने कोस्टल बॉर्डर की बात करी, सारी बॉर्डर्स की बात करी। पद्मा नमैया साहब यहां पर हैं, मैंने उनसे भी जब होम सेक्रेटरी थे कहा था
कि पाकिस्तान की फ्लाइट्स काठमांडू आती हैं और काठमांडू से फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बन के हमारे देश में आतंकवादी आ रहे हैं, इसका आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री टू दिस वन क्वेश्चन, पाकिस्तान से हम पानी क्यों नहीं उनका रोक देते? वैसे नेपाल गवर्नमेंट के साथ हम लोगों की बातचीत हुई है कि जो काठमांडू का एयरपोर्ट है वहां पर ठीक तरीके से इसकी जांच हो सके कि कहीं कोई ऐसा कोई एलिमेंट तो यहां पर नहीं आया है जिसका कोई टेरर से अथवा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए और उसमें भारत पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। पहले नेपाल तैयार नहीं था, लेकिन आज इस समय जब सार्क समिट हो रही है नेपाल में, तो इस समय नेपाल ने जरूर कहा है कि हम इसमें भारत की मदद लेना चाहते हैं और हम उनको मदद कर रहे हैं। मिस्टर सिंह, यू हैव अ क्वेश्चन? यनकेश सिंह जी, क्या पूछेंगे? राजनाथ जी, मेरा प्रश्न है जो थोड़ा गृह मंत्रालय से थोड़ा हटके है प्रश्न। आपने पुलिस आधुनिकरण की बात कही है कि तेजी से उसमें आधुनिकरण हो रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप मैंने नहीं कहा कि आधुनिकरण बिल्कुल हो रहा है तेजी के साथ, होना चाहिए, होना चाहिए, हम उस पर ध्यान देना हमने प्रारंभ किया है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपका ऐसा विचार है कि ये जो आधुनिकरण की जो प्रगति हो रही है उसमें तभी बल मिल सकेगा जब क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी मॉडर्नाइजेशन साइमल्टेनियसली हम लोग करें? मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस पर मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा गंभीरतापूर्वक। द लेडी इन द रेड साड़ी देयर, यस। नमस्कार, मेरा नाम रेखा खन्ना। आप सब, आपने बहुत सिक्योरिटी की, पाकिस्तान की और चीजों की बात की। हमारा देश वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन 50% वासी जो हमारे देश के हैं, जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां, उनको न स्वतंत्रता है न सुरक्षा है। उनके लिए जो खतरा हमारे घरों में, हमारी सड़कों पे है, उसके लिए आप क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? रेखा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने इशू रेज किया है और मैं समझता हूं कि हम जैसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही संवेदनशील यह इशू है, बहुत ही संवेदनशील है। प्राचीन काल से ही भारत में माताओं बहनों की को हम सम्मान दिया जाता रहा है। हम किसी व्यक्ति को भी बिना किसी माता बहन के परफेक्ट ही नहीं मानते हैं, यह हमारे देश की परंपरा रही है। उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी काम प्रारंभ किया है और हम पुलिस में महिलाओं का कैसे परसेंटेज बढ़े, वैसे मैंने एक एडवाइजरी जारी की है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि पुलिस में 33% पार्टिसिपेशन महिलाओं का होना चाहिए। रिक्रूटमेंट में इस बात का ध्यान दें, केवल पुलिस में ही नहीं बल्कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पहले 1 point something यह महिलाओं का पार्टिसिपेशन था। उसको मैंने टारगेट तय किया है कि 2 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर उसे 2 साल के अंदर 5% ले जाइए और 5% के बाद हम इसे और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम महिलाओं का परसेंटेज पूरे सारे देश के का जो हमारा ये पुलिस सिस्टम है उसमें हम बढ़ा रहे हैं और जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। People at the back always get left out. Yes, the gentleman there. After that, Rajiv. Political लोगों को इजाजत मत दीजिए। माननीय राजनीति वो पार्लियामेंट में देंगे विपक्ष को। जी, माननीय क्वेश्चन। माननीय राजनाथ जी, सिंह जी, मेरा नाम है ऑब्री एलोइशियस और मैं यहाँ नेशनल कैपिटल रीजन में we are involved in the area of music, art and culture, and I believe personally that through nation building one of the strands can be music. Our national anthem, which is a national institution, which is the brand custodian of which has been the Home Ministry, I believe that is a great song, the one song that can unite the nation. And the constitution talks about singing it the correct way, 52 seconds.
We have an idea, sir, because when we listen to the national... Can you please ask a question? I've got this time's up flashing in my face. आपकी idea का स्वागत है. मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो idea है. आपका स्वागत है. Thank you. The very last question, Rajiv Shukla. The very last question, please. Rajiv, I'm really sorry. We're totally out of time. And can I speak? No, please. It's the last question. I'm really sorry. माननीय राजनाथ जी, हरमिंदर, कल से हम आपके सेशन की प्रतीक्षा में रहे हैं. आपका आना हुआ बहुत स्वागत है. मैं क्राइम ब्रांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से संबंधित हूं, रहा हूं, और उसमें मैंने पाया है कि हमारे बाहरी खतरों के बजाय आखिरी बाहरी खतरों की बजाय अंदरूनी खतरे ज्यादा है, जिसमें हमारा जो आंतरिक धन संवर्धन है वो बढ़ रहा है. कौन सा संवर्धन? आंतरिक धन संवर्धन. धन जो दो नंबर की. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके. हाँ, आंतरिक संपत्ति जो है वो बढ़ रही है. फेक करेंसी की बात आप कर रहे हैं. हाँ जी, जिसके वजह से इंटरनल जो है वो खतरे बढ़ रहे हैं. मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पिछले 60 साल से जुड़ा हूं और उसके तत्वाधान में हमने जो एकल विद्यालय का मिशन चलाया है उससे हमारा माओइज्म और नक्सलिज्म वो अंडर चेक है. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, वी टोटली आउट ऑफ टाइम. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर राजनाथ सिंह.